किसान भाई, सबसे पहली चीज़ है ये BCS कंपनी की मशीन है। ये मशीन बेसिकली ये कंपनी इटालियन है, सो इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या ऑपरेशन करना है। ये मशीन आपके महिंद्रा ट्रैक्टर में हमने जो फिट की है, ये मशीन को चलाने के लिए गेहूँ सूखा होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, और साथ में जब आप इसको चलाएंगे खेत में तो आपको ये ध्यान देना है कि ये ट्रैक्टर की पोजीशन अलग है और ड्राइवर की पोजीशन अलग है कटिंग के साथ में। तो आपको ये ध्यान देना कि खेत में किसी तरह का फरुआ, तार, लकड़ी, पत्थर, ये कुछ भी हो तो किसान को पहले बता दें कि भाई सब खेत का एक बार चक्कर लगा लें ताकि हमारी मशीन कहीं से टूटे ना, सेफ्टी रहे, सेफ्टी रहे। क्योंकि अगर वो सामने आ गया और हमको नहीं देखा तो हम इसमें एक्सीडेंट कर देंगे और ये डैमेज हो जाएंगे। सही बात। इस मशीन को जमीन से 3-4 इंच या 3-4 बोला जी 3-4 इंच के अंदर ही चलाना है, हाइट उठा के, हाइट उठा, मतलब 3-4 इंच से ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर आप जितना नीचे से चलाएंगे उतनी बेटर आपको कटिंग मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल हाथ की जो कटाई होती है उससे भी बेहतर कटाई ये करके देगी आपको मशीन। सर सिर्फ एक ही है कि आपकी फसल सूखी और खड़ी होनी चाहिए। ठीक है, पत्थर हो तो फसल मशीन को थोड़ा सा ऊपर ले सकते हैं, 6 इंच ऊपर काट सकते हैं। 6 इंच ऊपर काटने में प्रॉब्लम क्या है कि इसकी जो PTO शाफ्ट है वो PTO शाफ्ट क्रॉस हो जाएगी, और ज़्यादा क्रॉस होने से PTO के क्रॉस घिस जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। तो हमें ध्यान देना है कि ये 2-4 इंच से लेकर 6 इंच के अंदर ही अपना काम करें। बीच में चल रहा है, शुरुआत में जब आप इसको काटेंगे तो आपको हार्डली 1 घंटे में 2 बीघे का एवरेज मिलेगा शुरुआत में, क्योंकि अभी आपको सीखना है, आप नई मशीन ले जा रहे हो। लेकिन धीरे धीरे 1-2 दिन के अंदर आप बाकायदा 1 एकड़ प्रति घंटे की स्पीड में पहुँच जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसको अंदर खेत के अंदर ले जा रहे हैं जिस डायरेक्शन से ले जा रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि रिटर्न करने के लिए आपके अगर पीछे साइड से काटने की जगह नहीं है तो आपको थोड़ा बैक लेके और बिल्कुल हार्वेस्टर जैसी स्कीम इसमें चलानी है। अगर हार्वेस्टर या पहले रीपर चला है तो वही स्कीम आपको इसमें चलाना है। इसमें ग्रीसिंग के पॉइंट दिए हैं, ये 2 तरह की रस्सी से चलती है। पहली इसमें ये PVC रोप है और दूसरी इसमें जूट की रस्सी है। जनरली लोग घर के लिए या जो अपने जानवर रखे रहते हैं उनके लिए जूट की रस्सी का उपयोग करते हैं, वो रस्सी भी अपने यहाँ मिलती है और ये PVC की रस्सी भी यहाँ मिलती है। ठीक है, इस रस्सी को जब आप डालेंगे तो आपको इस पिंडे में लिखा है कि हर पिंडे को बदलते हुए आपको ये 2 पॉइंट और ये 3रा पॉइंट ग्रीस करना है। याद रखना ये सेंट्रीफ्यूगल ऑपरेशन नहीं है कि आप घूमते हुए ट्रैक्टर जैसा इसमें ऑपरेशन, इसमें हाथ का एक्शन होता है। तो हाथ के एक्शन के कारण इसमें जो ना जो ग्रीसिंग पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है। तो पूरी मशीन को डेली एक बार ग्रीस करना है, पूरी मशीन को डेली एक बार ग्रीस करना है। लेकिन जब भी आप पिंडा चेंज करेंगे तो इस नॉटिंग टेक्नोलॉजी को आपको हर बार ग्रीस करना है। याद रखिए ये BCS की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, मतलब ये मशीन 100 में 100 गांठ बांधने की गारंटी लेती है। सिर्फ इसको रस्सी बेटर चाहिए और खेत बेटर चाहिए। ठीक है सर, अब आप आगे देखेंगे फसल जो है ना यहाँ से कट के आएगी, वहाँ से रीपर काम करेगा, ये हाथ के एक्शन से इसको अंदर लेता जाएगा और यहाँ ये लीवर लगा है। जब यहाँ पर पिंडा 10, 11 या 12 kg के बीच में आएगा तो ऑटोमेटिक ये लीवर दब जाएगा और ये बांधते हुए पीछे निकाल देगा रस्सी को। ठीक है, इतना ऑपरेशन आपका इसमें होता है। हमने यहाँ पे 2 सेफ्टी लॉक दिए हैं, पिन दिए हैं। जब आप इसको हाइड्रोलिक में उठाते हैं और आप ट्रांसपोर्ट ले जा रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए 2 पिन दी हुई हैं। आप इसको ऊपर लेके पिन डाल दें, हाइड्रोलिक से फ्री हो गया। क्योंकि जनरली क्या होता है, अपने ट्रैक्टर खेती में चलते रहते हैं उनमें छोटा छोटा लीकेज रहता है, तो उसकी अगर सिम लीक है या उसकी लीक है तो वो धीरे धीरे नीचे जाएगा और हम धीरे से हमको पता नहीं सामने वाला किस पोजीशन पे, तो हमेशा टॉप पोजीशन पर लॉक कर दो, उसके बाद हाइड्रोलिक पे लोड खत्म। ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी दी है और आप देखेंगे इसकी जो हाइट है ये ऑलरेडी करीब 18 इंच 1.5 फीट के आसपास नीचे से हाइट मिल रही है। ये सारे रीपर्स में सबसे ज़्यादा हाइट अवेलेबल है। ये इटालियन कंपनी है, इसका बेहतरीन ऑपरेशन है। आप जब भी खेत काटेंगे तो आपको जो अपन हसीये से खेत काटते हैं उससे भी बेटर ऑपरेशन ये मशीन करके देगी। सर थोड़ी सी एक बात और बताइए, इसकी प्राइस वगैरह क्या होने वाली है और जी कैसे लगाया जाता है, मतलब अपन को ट्रैक्टर लाना पड़ता है और जो इसका खर्च वगैरह रहता है लगवाने में वो अलग रहता है या इसी में इंक्लूड रहता है, थोड़ी इसके बारे में जानकारी दीजिए। इस मशीन की प्राइस 2,75,000 है। अच्छा, और ये MP गवर्नमेंट की DVT पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, इसलिए इसमें सब्सिडी भी अवेलेबल है। अच्छा, किसान भाइयों को सब्सिडी भी मिलेगी? सब्सिडी भी मिलेगी, वो भी 50% सब्सिडी में आ सकता है। अच्छा, आधे परसेंट मतलब 50% 50% पैसे लगेंगे, वो 50% इसमें सब्सिडी का ऑप्शन मिलता है। अच्छा, इसमें आपको ट्रैक्टर लेके आना पड़ता है और ट्रैक्टर की फिटिंग जो है ना वो एक्स्ट्रा होती है, क्योंकि मशीन के अलावा उसमें काफी कुछ काम करना पड़ता है। अच्छा, हिंदुस्तान में पाए जाने वाले बहुत सारे ट्रैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी कॉस्ट
इकोनॉमी होने के कारण उनने आगे फ्रंट में टांगने का अरेंजमेंट नहीं दिया। हाँ हाँ, तो चूंकि भारत देश जुगाड़ का देश है, हाँ हाँ जी, तो हम लोग बेस्ट फिटिंग जुगाड़ करके देते हैं। हाँ, जैसे महिंद्रा हो गया, आइसर हो गया और आपके स्वराज हो गए। हाँ, ये ट्रैक्टर में पहले से कोई फिटिंग का अरेंजमेंट नहीं आता। हाँ जी, बट उसको हम बिल्कुल फैक्ट्री फिटिंग जैसा अरेंजमेंट बना के देते हैं और वो हमारी फैक्ट्री में होता है। हम लोग बेस्ट वेल्डिंग प्लांट्स, जो मिग वेल्डिंग प्लांट्स हैं, उनके थ्रू इसकी वेल्डिंग करते हैं। अच्छा, और ये करने वाले साथ हम लोग यहाँ पे स्पेशली हैं, क्योंकि मिग वेल्डिंग प्लांट से कोई भी इसको पक्का नहीं करता। अच्छा जी, और जो अपना ट्रैक्टर है, लगभग कितनी HP से मान करेगा इसमें चलाने के लिए? देखिए, ये मशीन को रिक्वायरमेंट 4 से 5 HP की ही होती है। अच्छा जी, और ट्रैक्टर हमारा बड़ा होता है। हाँ, तो किसान भाइयों को तो मैं ये बोलता हूँ कि कभी भी जो हमारे इंजीनियर्स आते हैं, टेक्नीशियन आते हैं, चलाने का जो टेक्निक और जो स्पीड बता के जाते हैं, हाँ जी, उससे ज्यादा छेड़खाड़ी ना करें, क्योंकि इस मशीन को 5 हॉर्स पावर की ताकत चाहिए और ट्रैक्टर 30 हॉर्स पावर का है। तो अगर उन्हें ज्यादा ताकत इसको दे दी तो ये इसमें नुकसान हो सकता है। लगभग कितनी RPM पर चलाना होगा इसको? ये बिल्कुल स्लो चलता है, स्टार्ट करने के बाद 600 RPM आते हैं, 600-700 के बीच में ही इसकी स्पीड चलती है। अच्छा जी, और देखा जाए तो मैक्सिमम 1.5 लीटर का कंजप्शन पर घंटे में इसमें आता है। अच्छा, बहुत अच्छा माइलेज मिलता है, बहुत अच्छा माइलेज मिलता है। और इसमें जो रस्सी मिलती है वो हमारी खजुराहो ब्रांड की रस्सी है, जो कि छतरपुर मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा जी, और उस रस्सी का सबसे खास बात है कि 1 एकड़ के आसपास वो रस्सी चल जाती है। अच्छा, 1 एकड़ में चल जाएगी, 1 एकड़ में एक पिंडा चल जाता है। अच्छा जी, और लगभग इसकी कितनी प्राइस होगी जो अपनी रस्सी वगैरह आती है? रस्सी वगैरह का देखिए MRP तो 2600 है, बट मार्केट में ये 2100-2200 के रेंज में अवेलेबल है फिलहाल। अच्छा, ठीक है। और रस्सी में भी 2 अलग अलग ब्रांड अवेलेबल हैं, जो हमारे जूट की रस्सी है वो थोड़ा सा कॉस्ट में ज़्यादा होती है, क्योंकि वो जानवरों के लिए ज़्यादा बेटर होती है। हाँ, बाकी ये PVC की रस्सी है, ये थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव होती है और ज़्यादा एरिया कवर करती है। अच्छा जी, आप अपना एड्रेस वगैरह और बता दीजिए कि जैसे कुछ किसान भाइयों को ये एम्प्लीमेंट लगवाना है तो एड्रेस बता दीजिए आपकी। देखिए, हमारा महोबा रोड में, छतरपुर महोबा रोड पे हमारा शोरूम है। अच्छा, जहाँ पे हमारे पूरे सेल्स ऑफिसर बैठे हैं जो किसानों की मदद करते हैं। हाँ, और वो इस यंत्र के लिए जो भी बुकिंग करना है, जो भी प्राइसिंग है और सब्सिडी की सारी जानकारी वहीं से मिलती है। अच्छा जी, ठीक है। इसके बाद जो अपना फिटिंग का जो जॉब है, फिटिंग का जॉब हम लोग फैक्ट्री एरिया में करते हैं, ताकि उन लोगों को बेटर से बेटर फिटिंग मिल सके। और चूंकि हमारे पास फिटिंग के लिए बहुत अच्छी वेल्डिंग प्लांट्स हैं, तो उसका उनको भरपूर फायदा मिल सके। बाकी आप इसको खेत में भी चला के दिखाओगे? हाँ, हमारे खुद के टेक्नीशियन और इंजीनियर हैं। हाँ, जो खेत में जाएंगे। अच्छा, किसान भाइयों के साथ खेत में जाते हैं और वहाँ पे उनको ट्रेनिंग देके चलवा के आते हैं। अच्छा जी, और उनको संतोष करा के चला के ट्रेनिंग देके आते हैं, और उसके बाद किसान इसको बड़े आसानी से चला लेते हैं। इसमें बहुत ज्यादा टेक्निक नहीं है, जो ट्रैक्टर चला सकता है वो इसको चला सकता है। हमें सिर्फ उनको 10-15 मिनट की चलाने की टेक्निक और गियर और स्पीड के बीच में मैचिंग करानी पड़ती है। अच्छा, हमारा एड्रेस जो है ना, ये प्लॉट नंबर 95 चंदपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पे हम इनकी मैन्युफैक्चरिंग फिटिंग करते हैं। ये हमारा फिटिंग का एरिया है, यहाँ पे हम लोग बेस्ट यूनिट्स का फिटिंग करते हैं। मोबाइल नंबर वगैरह लिखे हैं तो यहाँ से कॉन्टैक्ट, यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और भी जानकारियाँ वगैरह ले सकते हैं। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि जो कंपनी के साथ इसमें टूल किट आती है, ग्रीस गन आती है और बाकी जो चीजें आती है वो आपको दिखा देते हैं। हाँ, क्योंकि ये हमारे यहाँ कंपनी के साथ में मिलता है। ये हमारा AP2 ग्रीस है, 1 kg का ग्रीस मिलता है। ये टूल किट के लिए बैग है, जिसमें अपन सारे टूल किट रखते हैं। इसके बाद एक ग्रीस गन देते हैं साथ में, एक टी शर्ट देते हैं जो ड्राइवर्स पहन के उसमें चला सकते हैं। अच्छा, इसके बाद कुछ ये 12-13 टूल्स हैं, जिसमें अलग अलग टाइप के टूल सेट, रिंच पाना, बड़ा पेचकस, प्लास और छोटी चाबी और LN की सेट वगैरह है, ये सारा इसमें रहते हैं। साथ में हम किसानों को बोलते हैं कि ये हम कवर भी दे रहे हैं। तो चूंकि हमारी मशीन बेस्ट है, दुनिया की सबसे बेस्ट कटिंग मशीन है, तो हम चाहते हैं कि जब इसका काम खत्म हो जाए तो इसको कवर करके रखें। मैं एक चीज़ और किसानों को बोलूँगा कि इसको कोई भी ट्रॉली के या ट्रैक्टर के पुराने टायर को नीचे रख के उसके ऊपर रखेंगे। अच्छा, बाद में कवर डाल देंगे तो इसमें कभी जंग लगने की संभावना नहीं होती है। और हमेशा इसको ढाक के रखें, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट है जो ट्रैक्टर के साथ जुड़ के बहुत अच्छा बिजनेस बन जाता है। अच्छा, आजकल कटाई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, मजदूर वैसे नहीं मिलते, मजदूर नहीं मिलते हैं। हाँ, और आप इससे काटेंगे तो आपको भूसा मिलेगा। हाँ, बिल्कुल। अगर आप हार्वेस्टर से काटेंगे तो आपको भूसा बनाने के लिए अलग से यंत्र चलाने पड़ेंगे। हाँ, जबकि ये भूसा सबसे बेस्ट होता है और जानवरों को बहुत अच्छा रहता है।